अल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बारबेक्यू कर रहे हैं तो सोचा कि आपसे शेयर करते हैं। और मेरी फ्रेंड आई हुई हैं लंदन से, स्पेशल उसके लिए बारबेक्यू हो रहा है और ईद भी है। और ये हम चिकन विंग्स बना रहे हैं। मैंने इनको मसाला ओवरनाइट लगा के रख दिया था, तो जब भी आप बारबेक्यू करें मसाला एक दिन पहले लगा लें या दो तीन दिन पहले भी लगा लें तो अच्छा होता है, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने बारबेक्यू किया है, देखें कैसा बनता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारी विंग्स रेडी हो चुकी हैं काफ़ी हद तक। और ये अब हमारी मुकम्मल रेडी हो चुकी हैं और मेरी फ्रेंड अब आपको टेस्ट करके बताती है कैसे बनी है। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छी बन गई है और कलर भी बहुत प्यारा आया है और ये टेस्टी भी बहुत बनी है। और वेदर भी आज बहुत बहुत अच्छा है। इस वेदर में तो बारबेक्यू करने का मज़ा ही दुबला हो जाता है। और दूसरी तरफ हम लेग पीस भी वेयर कर रहे हैं और इस तरफ हमने कबाब हैं, चिकन टिक्का है, स्वीट कॉर्न है, तो बड़ा इन्जॉय किया। फिर अभी बारिश हो गई थी तो हमने बारबेक्यू मशीन अंदर कर दी, तो यहाँ पर अब हम स्वीट कॉर्न बना रहे हैं। और अब ये दूसरी टर्न स्टार्ट हो गई है बारबेक्यू की, चिकन विंग्स एंड चिकन लेग्स वगैरह एंड थाई। ये चिकन विंग्स बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं, लेग पीस और थाई वगैरह इनमें बहुत काफ़ी टाइम लगता है। आप देख सकते हैं कि वेदर कैसा हो रहा है। क्लाउड बहुत सारे हो चुके हैं, किसी भी टाइम रेन हो सकती है, लेकिन हमारे पास दो ऑप्शन है। रेन हो जाएगी तो हम अंदर चले जाएंगे, जैसा कि हम अंदर आ चुके हैं। यह हमारा स्टोर रूम है, तो स्टोर रूम में हमने डोर के पास किया था बारबेक्यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।